जल आता है और तुम उस जल से स्नान करते हो तो तुम्हें इस पाप से निवृत्ति होगी। तब तम का अर्थ होता है अंधकार, गौतम का अर्थ होता है वो ऐसा अंधकार जिसमें वो इतने ऐसे हुए थे गोहत्या के कारण गौतम मामनी, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, सभी अंधकार में था। तब उन्होंने गोमुखी से ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की और गोदावरी नदी, जो गोदावरी का अर्थ होता है इस संसार में ऐसा वर देने वाली, जितने भी हम पाप हमने किए हैं उस मार्ग से जाते जाते उस पापों को धोने वाली, ऐसे उसे गोदावरी नदी कहा गया है। गौतम महर्षि ने उस गोदावरी नदी को नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास उसका उद्भव हुआ और उन्होंने जहाँ उषा से यानी जहाँ से दर्भ से गाय को मारा था उस दर्भ के पास एक कुंड निर्माण किया गया और पहले उस कुश पर जल बरसा और उस कुश में उन्होंने स्नान आचरण किया और वे स्नान से निवृत्त हुए और गौ हत्या से निवृत्त हुए। तब कहते तो ये भी है कि गौतम महर्षि जब इस गौ हत्या में थे तो उन्होंने एक बार ये लगा कि अपने गुरु परंपरा में सिद्धाश्रम को जाकर पूछे कि सिद्धाश्रम में ऋषियों को कि ये पाप की निवृत्ति कैसे हो और ऋषियों से मिले। तो गौतम महर्षि जब सिद्धाश्रम के द्वार पहुंचे तो द्वार बंद हो गए और गौतम महर्षि कहा कि तुम्हें प्रवेश नहीं है क्योंकि उनकी हत्या से उनकी उन्होंने गोहत्या की थी और ब्रह्म हत्या हुई थी, अपना अपमान महसूस कर रहे थे और उनकी सारी स्थितियां चले गई। तब उन्होंने गोदावरी नदी को इस पृथ्वी पर उतारा और माँ से प्रार्थना की, माँ एक वरदान दे कि तेरी यह नदी सारे पापों का निराकरण करेगी। उसमें भी उन्होंने जब प्रार्थना की तो माता ने कहा कि वरदान देती हूँ कि जो गोदावरी नदी में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कहते हैं कि गोदावरी नदी में स्नान करने पर पाप धुल जाते हैं, गंगा माता को स्मरण करने पर, गंगा माता को देखने पर पाप धुल जाते हैं और नर्मदा नदी को स्मरण करने पर ही अपने पाप धुल जाते हैं। लेकिन इन सभी के होने पर भी इनके पास यह अमृत भांड रखा गया है और राक्षस उसको चुराने के लिए तरह तरह के मार्ग ढूंढने लगे। तब गौतम महर्षि ने बृहस्पति जी ने यह देखा कि अगर इस अमृत भांड को यही रखो तो देवता मुझे मारकर भी युद्ध करके भी अमृत भांड को ले जाएंगे। तो हर समय वो एक एक नदी में ले जाकर अमृत भांड को रखते थे और उस अमृत भांड में जब जब रखते थे इस नदी में तो नदी में छिपाया हुआ उन राक्षसों को वो नहीं मिलता था। जब तक अमृत भांड नदी में रहता था वो नदी पर से अमृत के बिंदु कण जाते थे और सारे संत महात्माओं को ये जब पता चला कि अमृत भांड यहाँ रखा गया है तो संत महात्मा आ गए। कुंभ का मतलब है अमृत कुंभ को नदी में रखने की क्रिया, अमृत कुंभ को नदी में रखा गया और उस कुंभ पर से जब जल गया तो उसे कुंभ पर्व कहा गया। तो वो इतने दिन रखते थे कि जब फिर राक्षसों को पता चल जाता कि उन्होंने यहाँ कुंभ रखा है, गोदावरी से हटाए गंगा में रखे, गंगा से हटाए नर्मदा में रखे, कृष्णा में रखे, इस प्रकार सिंह राशि में जब बृहस्पति थे तब इस कुंभ को अगर गोदावरी नदी में रखा गया था इसके से कुंभ पर्व गोदावरी का कहा जाता है। अब बात यह हुई कि यहाँ बहुत सारे विद्वान, अगर आप आंध्र में दक्षिण में आओ तो कुंभ पर्व 14 जुलाई को आरंभ हुआ और 25 को खत्म हो गया और दाते पंचांग महाराष्ट्र के अनुसार आप देखो तो 14 अगस्त तक यह कुंभ पर्व चल रहा है, वहाँ शाही स्नान भी और सारी चीजें भी। अब ये अगर मैं बहुत ज्ञात है मुझे पता है मैं 14 जुलाई से 14 अगस्त तक बृहस्पति का कुंभ नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगा और राजमंडी में 25 को खत्म होगा। क्यों? अब मेरे जैसा आदमी अज्ञानी तो पूछेगा ही पूछेगा कि यहाँ विद्वानों के ब्राह्मणों को पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सभी लोग कोई भी ये बात कहने से नहीं आया कि क्यों रखा गया, जिस मुहूर्त को रखा जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि हर कुंभ में नदी जहां से आरंभ होती है वह स्रोत उस भगवान का उस पृथ्वी की कुंडलिनी शक्ति है हर नदी, और उस कुंडलिनी नदी में गंगा में स्नान करने के कारण ही हमें वो उसकी पुष्टता उसकी श्रेष्ठता हमें पता चलती है। गोदावरी नदी जब नासिक त्र्यंबकेश्वर से आरंभ हुई तो वो मूलाधार था, वहां से खंडों पर नदी बहती हुई भद्राचलम के पास, ये
एक एक चक्र है जहां जहां नदी मिलते गई वो अपनी कुंडलनी की ग्रंथियां है, वो ग्रंथियां गोदावरी नदी की ग्रंथियां कहलाई जाती है। और इस ग्रंथियों पर इस पर्व काल में जो स्नान करता है उसको उसका पुण्य मिलता है ऐसा कहा गया है। तो नासिक त्र्यंबकेश्वर के गोदावरी मुक्त कुशावर्त में कुंभ रखा गया, कुंभ रखा गया तो वहां से पानी बहने लगा। वहां से पानी बहते बहते आने के लिए सच्चाई तो ये है कि पहले नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ आरंभ होता है और कुंभ उठाते समय उसको उसका निराकरण होता है। तो आप कोई भी बात याद रखो कि हम एक जल जहां से प्रवाहित हुआ वहां कोई स्थान रखे, वहां कोई चीज रखे, सावन का पानी ही क्यों हो। तो बहते बहते क्या जाता है, यहाँ जब तक ना सावन जब तक पूरा पिघल न जाए तब तक पानी आपको यहाँ साबुन का पानी मिलेगा, लेकिन आखिरी तक जाता है तो नहीं जाएगा, वो बीच में ही कटता हुआ चला जाएगा। उसी तरह अमृत भांड का पानी यहाँ कुंभ का पानी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन 14 अगस्त तक कुंभ रखा गया है और नासिक त्र्यंबकेश्वर में 14 अगस्त तक कुंभ वहीं रहता है, इसलिए कुंभ वहां 14 अगस्त तक चलता है। तो उस ब्रह्म हत्या के दोष के लिए जिनको सिद्धाश्रम प्रवेश भी ना हुआ ऐसे गौतम महर्षि और सारे ऋषियों ने जहाँ स्नान किया और उन्होंने उस स्थिति को यानी उस पाप से मृत्यु होनी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपने निखिल चेतना केंद्र की ओर से कुंभ पर्व का साधना शिविर रखा हूँ 7 और 8 अगस्त को, जो सेकंड सैटरडे संडे है, और सभी की 8 और 9 तारीख को 7 से यहाँ निकलेंगे, 8 और 9 हम नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ पर्व मनाएंगे। तो इससे पहले कि कुंभ पर्व की जानकारी दें, ब्रह्म हत्या क्या होती है, हमारे पास 3 ऋण है हमारे शरीर में, कोख से जन्म लेते हैं, इसी ऋण के कारण ही जन्म लेते हैं, उनका ऋण फेरने के लिए जन्म लेते हैं। अब उस ऋण में अपने को माँ बहन मिलती है, पत्नी मिलती है, भाई मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, जब हम कोख से जन्म लेकर शरीर धारण करते हैं तो वो अपने ऋणों के कारण ही मिलते हैं। और कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो कि अपने फंसाने वाला हो, जो कोई ऐसी बहन मिल जाए जो अपने को सताने वाली हो, जो कोई ऐसा सगा संबंधी मिल जाए जो हमें फंसाने वाला, या हम भी उसको सताने वाले हो, हम सब इसके होते हैं कि पितर ऋणों के कारण के तुमने गत जन्म में या तो उनको सताया होगा या इस जन्म में वो सता कर तुम्हारा तुम्हारी कोई ना कोई ऋण कर रहे होंगे। ऐसे ऋणों की उपशमन के लिए क्या आपके बच्चों को जो अच्छे अच्छे खासे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको सुख नहीं होता, अपने को पति पत्नी बच्चों का सुख नहीं होता, बहुओं का सुख नहीं होता, सास को नहीं होता, तो ये सारे ऋणों के कारण ही वो जन्म लेते हैं। कभी कभी देखो बहुत हम एक अच्छी सी गाय 50,000 की लेके आते हैं, घर पे रखते हैं, वो कहता है बेचने वाला गुरु जी इसके बस 20 लीटर का दूध देगा, घर पे आते हैं तो 1 लीटर की दूध नहीं आता, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ऋण तुम्हारे से हुआ होगा कि तुमने उस गाय का उस जमीन का ऋण प्राप्त नहीं किया होगा। और उस ऋण का जमीन का ऋण प्राप्त उस जमीन को किस तरह प्राप्त किया है, जो जमीन तुम ठेकेदारी करते हो, आज बारिश नहीं हो रही, क्या कारण है, तो इसके पीछे जिस ऋणों के कारण तुम इस दुख को अनुभव कर रहे हो उसे पितृ ऋण कहा गया है। देवऋण वो होता है कि हम देव भगवान को मंदिर बांधूंगा, मैं मेरे को बच्चा हुआ तो फलाना कार्य करूंगा, मैं फलाना कार्य करूंगा और भूल जाते हैं होने के बाद, आपको सत्यनारायण की कथा पता है, वो देवऋण होता है। ऋषि ऋण वो होता है कि जिस रूप से हम संतान ब्रह्मा पहले सृष्टि करता है और केवल 7 ही गोत्र ऋषि हुए और हम सभी भी चाहे आजकल कुल की मर्यादा निकली होगी, आजकल इस वर्ण व्यवस्था का निकला होगा ब्राह्मण क्षत्रिय, लेकिन हम सभी भी उस सप्तऋषियों के अवश्य पुत्र ही है, सभी कोई उसमें वर्ण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ब्राह्मण है, सभी लोगों का अगर गोत्र उस ब्रह्मा के उस 7 पुत्रों से ही आता है और 7 पुत्रों का ऋषि उस ऋषि का रंग हमारे सभी पर है। हमारे साधनाओं में सिद्धि नहीं मिलती या देवता में प्रत्यक्ष नहीं होते या हमारे तपस्या करने पर भी, मंदिर बांधने पर भी, माँ बाप की सेवा करने पर भी अगर कभी हमें फल नहीं मिलता तो इसका कारण केवल होता है वो ऋषि ऋण होता है। तुम जब तक ऋषि ऋण को चुकाते नहीं, तुम्हें हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कभी किसी को सताया भी नहीं, माँ बाप को मैं अच्छी सेवा करता हूँ, बहनों की अच्छी सेवा करता हूँ, लेकिन बहुत गरीब बहुत इतना परेशान हूँ कि मैं आप पूछो मत, क्या कारण होता है कि ऋषि का ऋण तुमने नहीं चुकाया होगा, इसलिए ऋषि ने तुम इस पृथ्वी पर फिर जन्म दिलवाया और इस दुखों का भागी बनवाकर कोई संत महात्माओं को ये कहलाने के लिए आपको क्या होगा कि तुम इस ऋण से मुक्ति पाओ। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र भगवान पृथ्वी में पृथ्वी पर हो या दूसरे ग्रहों पर भी हो, करता मनुष्य पाप है, मनुष्य पाप करता है, लेकिन सूर्य और चंद्र दोनों भी देखते हैं, अपने पापों को पुण्यों को दोनों को भी देखते हैं, तो थोड़ा सा असर उन्हें भी लगता है पाप देखने के बाद। और इन पापों के कारण जब अमृत भांड को देखने गए तो वह राक्षस आया और बैठा, जिसका जिसके बारे में विष्णु भगवान मोहिनी को कहा गया कि अमृत में अमृत देने के लिए एक राक्षस आके बैठा है, देवता का रूप धारण करके बैठा है। तब विष्णु भगवान ने देखा और अपना सुदर्शन चक्र चलाया, वही उसका सर और
स्थितों के कारण अवस्था खराब हो रही को कहला है जिन्होंने अमृत भंड का ग्रहण किया था और तब से सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है। ऐसा दोष भी इस सूर्य और चंद्र का ग्रहण केवल कुशावर्त या इस कुंभ पर्व में विशेष मंत्रों के साथ स्नान करने पर उस पापों का अपने पास काल सर्प दोष हो तो उस काल सर्प दोष से जुड़ के मिलते हैं। अपने ऊपर कोई आत्मा का आत्मा अभिमानित हो गई है और आत्मा छोड़ के नहीं जा रहे, हम कल तक अच्छे थे लेकिन एकदम बिगड़ गए, एकदम अपना सर चकरा गया, घर में सबसे झगड़ने लगे, ऐसी स्थिति आ गई कि कल तक देवता की पूजा करते आज पूजा छोड़ दी, कल तक बच्चा स्कूल को जाता था स्कूल को जाने के लिए बात करता, कल तक माँ बाप से प्रेम करता था आज माँ बाप से प्रेम नहीं करता, कल तक सभी का आदर करता था आज आदर नहीं करता सब। ये तो ये तब होता है जब हमारा कोई पितर लड़ या पितर दोष हम पर या राहु का राहु केतु का दोष ना पड़े या राहु महादशा केतु हो या राहु महादशा आई हो या केतु राहु अपने पर प्रभाव बताते हो तब एक ऐसी स्थिति अपने पुत्र होते आत्मा का आह्वान होता है। जब सूर्य चंद्र को ही ग्रहण पकड़ता है राहु केतु ने पकड़ा है तो हमें ना छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में इस कुंभ मेला में इस प्रकार की इसमें अगर हम विशेषतः स्नान करते हैं तो हम इस कुंभ पर्व का आनंद अनुभव कर सकते हैं। यही नहीं गुरु जी ने एक बार कहा था परमपुज्य सद्गुरुदेव जी के बड़े बेटे पानीपत की कहानी बता रहा हूं, पानीपत में शिविर था और इसी कारण बड़े बेटे गुरु जी नंदकिशोर सीमानी ने गुरु से कुछ एक बात कहकर आलिंगन हो गई और परमपुज्य सद्गुरुदेव जी से उन्होंने कम से कम 3 महीने या 4 महीने गुरु से बात बंद कर दी थी। आज जो बड़े बेटे गुरु जी ने नंदकिशोर सीमानी आई था उतने में सड़क नंदकिशोर सीमानी स्टेज पर आया था, तब जी ने स्वयं कहा कि मेरे ऊपर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होने के कारण मैंने अपने पिताजी को ही पिताजी से ही अनबन करते हुए मैंने बात बंद कर दी थी और यह बात बंद करने के कारण आज मैं उस कष्ट को अनुभव कर रहा हूं। मैं मेरे पिताजी से क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें और वे मुझ पर आशीर्वाद दें। या अगर पानीपत का आपको भी कैसेट देखें मैं समझता हूँ 1994 का कैसेट होगा जिसमें स्वयं नृसिम्हा जी इस ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित होकर परमपूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे और तब परमपूज्य सद्गुरुदेव जी ने भी उसका खुलासा करते हुए कहा था कि ये बात सच है कि उसके ऊपर ऐसे ग्रहों का प्रभाव था, वो मुझसे बिछड़ा, उनसे कुछ बातें कहा। मैंने कहा कि तू बेटा है तो मेरे जायदाद का मालिक है, तुझे अगर शिष्य बनना है तो मेरी सेवा या मेरी साधना करनी होगी, तभी मैं शिष्य का आशीर्वाद प्रदान करूंगा कि गुरु जी के वचन थे उस समय। तो जब परमपूज्य सद्गुरुदेव जी के बेटे की स्थिति है तो हम कहां हम कहाँ हैं, हमारे ऊपर ग्रह को प्रभाव बनाएंगे बनाएंगे, हमारे ऊपर ग्रह का ग्रहों का असर रहेगा ही रहेगा। ऐसे समय में राहु और केतु जब अपना ग्रह अपने ऊपर असर छोड़ते हैं तो हम अपने लोगों से दूर होने लगते हैं, प्यार करने वालों से दूर होने लगते हैं। प्यार ऐसा प्यार होता है कि जो हमें विश्व पीने के लिए मजबूर कर देता है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी स्थिति राहु केतु उत्पन्न करते हैं। उस समय इस दोष का निराकरण करने के लिए निवारण करने के लिए हम जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं वह इस कुंभ पर्व में अगर विशेष मंत्रों के साथ स्नान किया जाए और उस पुष्प को अपने सर पे रखकर विशेष मंत्रों से स्नान किया जाए तो उन पापों से हमें निवृत्ति मिलती है। हमारे में संतान भी होती है, कोई अपाही संतान होती है, कोई मूर्ख संतान होती है, या कोई संतान ऐसी होती है जो हमारे बारे में ही चिंता, हम जीवन भर उसी चिंता संतान की चिंता में रह जाते हैं कि किसी ग्रहों के कारण होता है, किस ग्रहों के अपने अनुकूल नहीं रहने के कारण होता है। ऐसी समस्याएं जब हमारे जीवन में आ जाए तो समझना कि हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। अच्छी नौकरी चल रही है और सड़क किसी ने नौकरी पर से निकाल दिया, यह नौकरी से निकालने की बात की वजह से वरदान प्राप्त किया था कि तेरे इस कुंभ में जो भी स्नान करता है आप उस ब्रह्म हत्या के दोष को निकाल दोगी, यह उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन इससे पहले कि हम आपको समझ में परीक्षा को जाने से पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, पुस्तक पढ़ना पड़ता है, पुस्तक पढ़ो टीचर से कोई लो तो तब जाकर परीक्षा में पास होने की परीक्षा में। सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने स्नान किया कुंभ ब्रह्म में जाकर पुष्कर में स्नान किया, पुष्कर आलू कहते हैं यहाँ, पुष्कर को कहते हैं ब्रह्म पुष्कर भी कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। मैं ऐसे ही कल मजाक में कह रहा था हमारे मनोज जैसे लोग हैं उनको पूछ लिया या दीक्षित जैसे लोग उनको प्रभु के अधिष्ठात्री देवता कह रहे हैं, हम नासिक त्रपकेश्वर जाएं या किसी भी पुष्कर को जाने से पहले इस राहु काल में अगर हम श्वेता के गणपति के सामने या श्वेता गणपति का एक मनोकामना सिद्धि यंत्र पाप निवृत्ति वाला यंत्र है उसमें मूंगा माला के साथ उसके सामने अगर हम 21 माला मंत्र जप करते हैं और उस यंत्र के साथ अगर कभी भी कुंभ मेला के समय नदी में जाकर उस यंत्र को दक्षिणा के साथ नदी में छोड़ देते हैं तो उस कुंभ या पुष्कर का फल हमें जरूर मिलता है और हमारे ऊपर होने वाली काल सर्प का दोष हो या पितृ ऋण हो उस ऋण से मुक्ति मिलती है।
हम इस रणों से मुक्ति मिलने के लिए। हम इस रणों से मुक्ति पाने के लिए जो विधान, ऐसे महर्षि ने भी यही प्रार्थना की थी कि जब उन्हें असिद्ध महसूस हुआ कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनका कार्य कुछ नहीं होता और वे असमर्थ अपने आप को कहने लगे, तब उन्होंने किया, तब उन्होंने ये साधना की, गोदावरी नदी को लाए, उसके ऊपर जब हुआ तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा नाम संसार में मुझे यश प्राप्त हो। पुण्य और यश का तर्क, पुण्य और यश को देने वाली स्त्री को पुष्कर कहा गया है। तो किस यश को मुझे पुण्य मिले और पुण्य से मैं यश को प्राप्ति करूं। यह बात उन्होंने प्रार्थना की तब ब्रह्मा के मानस दूसरे को मानस पुत्र विश्वामित्र जी जब 60,000 साल तपस्या करके मेनका के साथ उन्होंने मेनका की अप्सरा के उस मोह में पड़ गए और उन दोनों ने जब एक हुआ तो मेनका को भरत नाम अपनी शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। तो वह जन्म होकर जब वह रोने लगी तो इस भारतवर्ष में और मेरे से ऋषि ने 60,000 साल समस्या करके तुझे पुत्री को प्रदान किया है, ये मेरे कारण तुझे हुआ, अब इसका पालन पोषण हम दोनों मिलकर करेंगे। तो मेनका ने छठ के साथ कहा, मैं देवताओं की वेश्या हूं, केवल तपस्या भंग करने के लिए तुम्हें इस प्रकार इसको देने के लिए 60,000 तपस्या से इंद्र का आसन फिर रहा था और उसने मुझे भेजा था, मैं आई यहाँ, तुम्हें शरीर का पुष्टि की, तुम्हें शरीर के सौंदर्य का प्रदान की, तुम्हारे शरीर में वह सब बल प्रदान किया और तुम्हें मोह में डाल के इस पुत्री को दे दिया, मेरा काम खत्म, मैं मां नहीं बन सकती, मैं देवताओं की वेश्या हूं और वह चले जाने लगी। विश्वामित्र की आंखों में आंसू आए, वो रोने लगे कि क्या स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, उन्हें लगा कि किस पाप के कारण मैंने ये सब अनुभव किया। तुम्हें लगा कि वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि को तुमने उनके सब पुत्रों को मारा जिसके कारण ब्रह्महत्या ली, इस कारण तुझे यह भोगना पड़ा। जब यह मालूम हुआ तो विश्वामित्र ने विष्णु तपस्या के लिए पुनः तुम्हें जाने की क्रिया करता हूँ, तुम तुम्हारी पुत्री को मुझे दे दो और गौतम आश्रम में माता शकुंतला करी और जिस शकुंतला दुष्यंत का पुत्र भरत हुआ वो यश प्रदान करने वाला गौतम महर्षि के उस पालन पोषण में हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके पीछे की ब्रह्महत्या की कथा ये रही कि विश्वामित्र भी अपनी तपस्या को खो बैठे और गौतम महर्षि ने उस तपस्या को इस पुष्कर में स्नान करने के कारण ही बदले। जब इतने ऋषियों को इस तरह होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि इस पुष्कर की परीक्षा का पहला श्रेष्ठ का यह है कि पंचमुख गणपति को अगर हम पंचमुख गणपति का के यंत्र के सामने अगर हम 21 माला जप करते हैं और उस यंत्र को के साथ गोदावरी नदी में इस सिंहस्थ में वैसा तो 14 अगस्त तक हम रुद्रभाट करने का अग्नि ही किया है, लेकिन इसके 3 विशेषताएं होते हैं। क्या कि अमृत भाट को बृहस्पति जी ने पहले नासिक त्रपकेश्वरी कुशावर में रखा, बाद में उसको उठाकर जहां जहां दो दो नदियां मिलती गई वहां वहां रहते गए और वो स्थान बदलते बदलते बाद में अंतर्वेदी जहां सागर में गोदावरी नदी मिलती है वहां तक उन्होंने अमृत भाट रखा और वो उसकी तिथियां बदलती गई और वहां वहां आज स्नान की क्रियाएं होंगी। हम इस 14 अगस्त के पहले स्नान के लिए जा रहे हैं और जो इच्छुक है आपके जीवन में अगर आप असफल अनुभव करते हैं, आपके जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे कार्य भी नहीं हो रहे हैं, असिद्ध हैं, हमारे कोई साधना हमारी साधना सिद्ध नहीं होती और हमारे में ऐसी क्रियाएं हो रही है, तो आप निश्चित रूप से इस यंत्र की साधना करें और मेरे साथ नहीं तो आप कभी भी गोदावरी नदी को जाए इस सिंहस्थ में यानी अगले सेप्टेम्बर तक अगस्त तक अगर आप गोदावरी नदी फंस जाए तो इस यंत्र की एक माला करते हुए अपने सर पर इस यंत्र को रखकर गोदावरी नदी में 3 बार डुबकी लगाए और यह कहे कि मेरा कोई पितृऋण देव ऋण और ऋषि ऋण होगा तो उस ऋषि ऋण को जाकर मुझे पुनः यश और पुण्य मिले, यह बात कहते हुए उस यंत्र को नदी में छोड़ दें। ऐसा करने से पुष्कर का फल मिलता है। मैं उसी यंत्र को अभी उदय महाराज से यह बात कहता हूँ कि यहाँ गोदावरी नदी का आह्वान करते हुए इस ब्रह्मा यंत्र पर, यह ब्रह्मा विष्णु गुरु यंत्र है, इसके ऊपर कलश रखा जाएगा, इसके ऊपर गोदावरी माता को आह्वान कलश में करेंगे और वहां कलश रखकर उन यंत्रों को सामने रखते हुए आप उस यंत्र को कलश में डुबा कर अपने पास रख लें और केवल 21 माला मंत्र जप करें और यंत्र आपके पास रख लें। जब कभी भी गोदावरी नदी के पास जाएं आप उस यंत्र को यंत्र के साथ नदी में डुबकी लगाएं और तीसरी डुबकी के बाद उस यंत्र को पानी में छोड़ दें, यह कहते हुए कि मुझे मेरे सारे पापों से निवृत्ति मिलते हुए केवल पितृ और ऋषि से मुझे निवृत्ति मिलते हुए सारे पापों का क्षय हो, पुण्य मिले और इस पुण्य से मैं यश और कीर्ति प्राप्त कर सकूं, यह बात करते हुए उस यंत्र को नदी में छोड़ दें तो आपको पुष्कर का फल मिलता है। मैं उसी साधना को आपको देते हुए यह बात कहता हूं कि उस यंत्र को आप उस कलश के साथ कलश में डुबा कर अपने सामने रख लें
आपके जीवन में शादी नहीं हो रही है, शादी बिछड़ गई है, संतान नहीं हो रही है, तो ये किसी ऋण के कारण ही होता है। या तो देवरुण होता है, या पितृण होता है, या शादी छूटने की प्रक्रिया होती है, उस ग्रस्त में प्राप्त होता तो ये ऋषि ऋण होता है। ये ऋषि इन ऋणों को कि इस ऋणों से फिर हम मुक्ति पाकर यश को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस यंत्र को लें और 21 माला ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, केवल मंत्र कितना ही है, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, हम अपने मूंगा माला से संपन्न करें और यंत्र को अपने पास रख लें। जब भी गोदावरी नदी पर जाए और पुष्कर में स्नान करें तो इस यंत्र को अपने साथ ले जाकर नदी में 3 बार डुबकी लगाकर यंत्र को पानी में छोड़ दें। यह साधना आप राहुकाल में ही आरम्भ करनी चाहिए और आखिरी तक करनी चाहिए। आज अगर शाम तक भी आप करते हैं तो मैं उस यंत्र को सिद्ध करके रखा हूँ, जो भी साधक रहते हैं, और मैं भी स्वयं उस यंत्र को किया हूँ कि मैं 7, 8 और 9 तारीख को नासिक चक्रेश्वर जा रहा हूँ। अपने आप को गौतम महर्षि जैसे तपस्वी, विश्वामित्र जैसे तपस्वी ही जब इससे वे प्रभावित हुए तो हम कहाँ के लोग हैं, हम तो प्रभावित होते ही हैं। हमारे जीवन में यह प्रभाव कम हो ऐसा चाहते हैं तो आप इस यंत्र की साधना करें। इस सूत्र की साधना करने के बाद मैं 5 बजे मैं फिर यहाँ मिलूंगा। यह साधना भोजन करने के बाद स्नान करके भी की जा सकती है, भोजन करने के बाद बिना स्नान के साथ, और इस प्रकार की सिद्धि के लिए यह साधना आपके जीवन में निश्चित रूप से करें। ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ इस गुरु भोजन को, इस पर्व को, इस समय, इस प्रहर को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और आपके सामने में 5 या 6 बजे यहाँ आकर आपको इस साधना की विशेष दीक्षा और उसके साथ प्रकरणों का रोग देखा नहीं जाता और मुझके पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस साधना को करें। यह ग्रहों का प्रभाव या पितर और देवता और ऋषि ऋण हो सकता है। अपने जायदाद के लिए झगड़ा होना भी, सब कुछ होने पर भी हम अपनी जायदाद को अनुभव नहीं कर सकते, अपने घर को अनुभव नहीं सकते, अपने पुत्र होने पर भी अपने पुत्र का सुख अनुभव नहीं कर सकते, अपने माता पिता होने पर माता पिता का सुख अनुभव नहीं कर सकते, अपनी पत्नी होने पर भी अपनी पत्नी का, अपने पति का सुख अनुभव नहीं कर सकते, और अपने जायदाद होने पर भी जायदाद का सुख अनुभव नहीं सकते। जो न्याय युक्त है, तो ऐसी स्थिति में अगर अनुभव नहीं होता है तो आप ये बात निश्चित रूप से याद रखें कि आपके ऊपर तीनों काम कर रहे हैं या तीनों पाप आपके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसकी निवृत्ति इस कुंभ में रहेंगे इस साधना से संपन्न होकर हो सकती है। आपको आशीर्वाद देता हूँ, यह साधना संपन्न करिए। मैं यहाँ 5-6 बजे यहाँ होगा। मंत्र आप याद रखिए, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। अगर आपको इतना बड़ा मंत्र नहीं आता है तो ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को भी 21 बार करके उसको पूर्ण कर सकते हैं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ।